अस्सलाम वालेकुम, क्या अब हाल है इसमें एक आपके? प्याज डाल दें उम्मीद करती हूँ सब और खैरियत से प्याज को होंगे। हल्का गुलाबी आज हम करें। आपको अब इसमें एक बनाना प्याज डाल दें सिखाएंगे और आलू प्याज को गोश्त। हल्का गुलाबी कर उसके दें। लिए आप ले लें एक दरमियानी प्याज, 2-3 टमाटर, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें। एक पैन में ऑयल डाल लें और इसमें प्याज डाल के हल्का गुलाबी कर लें। अब इसमें एक पाव कीमा डाल एक पाव गोश्त डाल दें। थोड़ा भुनाई करें गोश्त की। अब इसमें एक भर के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। इसको मिक्स करें। अब इसमें थोड़ी देर इसको भुनाई करें। देखें इसकी भुनाई जारी रखें, इसकी भुनाई करते रहें। अभी हम थोड़ी देर में इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ी देर में हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा सा इसमें जीरा डालें। भुनाई करें जीरा डाल के। ये है 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच ही पिसा हुआ सूखा धनिया और आधी चमची हल्दी। ये अब मैं गोश्त में डालने लगी हूँ। सारा डाल दें और मिक्स कर दें। थोड़ा सा साफ पानी भी डाल दें। खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ये देखें खूबसूरत सा कलर आ गया हांडी का। हांडी का खूबसूरत सा कलर आ गया। अभी हम इसमें थोड़ी देर में टमाटर डालेंगे। अब इसमें टमाटर डाल दें। इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर डाल के मिक्स करें। टमाटर डाल के भुनाई करें अच्छे से। टमाटर डाल के अच्छी से भुनाई कर लें। ये देखें अच्छी तरह भुन गया। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल देते हैं। पानी डाल के तो इसको कुकर पे दम लगा देते हैं। ठीक है, दम लगा देते हैं। इसको कुकर पे लगा के कम से कम 15 मिनट पकाना है। 15 मिनट के बाद हम इसके बीच 15 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ। 15 मिनट बाद गोश्त गल चुका है। अब इसमें आधे आधे आलू डाल दें। इसमें आलू डाल दें, मिक्स करके इसको फिर दम पे लगा दें जब तक आलू ना पक जाए।
अब इसमें सूखी मेथी डाल दें और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें एंड में। चम्मच ला दें, पाँच मिनट कुक करें। आपका आलू गोश्त रेडी है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी नाजरीन, देखिए मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए। हम इसको वाइट राइस के साथ खाते हैं, आप इसको रोटी और नान के साथ भी खा सकते हैं।